यस हेलो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट फॉर दिस चैप्टर इज फॉर क्लास 5th स्टैंडर्ड. ओके, यू लर्न अबाउट इन प्रीवियस क्लास फर्स्ट चैप्टर कीवर्ड्स ऑफ बोन्स एंड मसल्स. चैप्टर कौन सा था आपका? बोन्स एंड मसल्स का कीवर्ड्स आपने पहले की क्लास में पढ़े थे. उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं जो इसी से रिलेटेड आपका लेसन है, इसलिए हमने कीवर्ड्स पहले पढ़ लिए थे. पढ़े थे ना कीवर्ड्स, जाने थे आपने स्केलेटन क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं. ये आपको, ये अभी मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें ये वर्ड्स आएंगे तो आपको पता मालूम याद आ जाएगा कि द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव शेप टू द बॉडी दैट इज कॉल्ड स्केलेटन, जॉइंट्स ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट. ओके, देन स्टार्ट अवर चैप्टर. वॉल्यूंट्री मसल्स मसल्स दैट कैन बी मूव एट विल, एंड इनवॉल्यूंट्री मसल्स दैट आर नॉट मूव अंडर कंट्रोल, दैट ऑल आर कीवर्ड्स. ओके, देन स्टार्ट योर चैप्टर. वाट इज बोन? बोन क्या होती है? बोन होती है एक लिविंग टिश्यू को ही हम बोन बोलते हैं. ये लिविंग टिश्यू होते हैं ना, क्योंकि जब भी कभी हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो हमारे हड्डी में अगर दर्द होता है, हम गिरते हैं तो दर्द होता है, हमारे पेन होता है बॉडी में, और पेन होता है जिस जगह पर हमारी चोट आती है वहाँ पर. तो वहाँ पर जो भी बोन होती है वो बहुत हार्ड होती है. कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत जोर से अगर हमें चोट आती है तो वो बोन डैमेज भी हो जाती है. डैमेज हो जाती है मतलब फ्रैक्चर हो जाता है उसमें. हम जब डॉक्टर को चेकअप कराने जाते हैं तो वो बोलता है कि ये फ्रैक्चर है और ये आपका इतने दिन का प्लास्टर है, जो भी है. इट मींस वो लिविंग टिश्यू है. क्यों है लिविंग टिश्यू? क्योंकि उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और जब वो सेल्स वापस से उसमें जुड़ते हैं या वो वापस से बनते हैं, न्यू टिश्यू उसके प्लेस पर नई सेल्स आ जाती हैं, तो बोन्स वापस से हमारी कैसे होने लग जाती है? ठीक हो जाती है. तो दैट बोन्स आर लिविंग टिश्यू. इसका मतलब होता है कि बोन्स हमारी लिविंग टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तभी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर धीरे धीरे वो बोन वापस से ठीक हो जाती है. बोन्स है हार्ड आउटर लेयर. अब बोन का अगर स्ट्रक्चर देखें, आप सबका स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो ऐसे ही आपको अगर पूछे कि बोन कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बताओगे बोन टू लेयर की मिलकर बनी होती है. फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड आउटर लेयर, जो उसकी बाहर की लेयर होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है. और कैसी होती है? स्ट्रांग और डेंस होती है, बहुत कॉम्पैक्ट होती है, इसीलिए वो आउटर लेयर होती है. कोई भी चीज़ आउटर लेयर प्रोटेक्शन की लेयर होती है, इसलिए वो कैसी होती है? स्ट्रांग भी होती है, टफ होती है और डेंस होती है. उसके बाद बोन की दूसरा जो लेयर होती है वो दूसरी सेकेंड लेयर इज कॉल्ड, सेकेंड लेयर किसकी बनी होती है? ट्रेबिकुलर बोन की बनी होती है, जो कि स्पंजी होती है. ट्रेबिकुलर बोन कैसी होती है? स्पंजी होती है, विच इज लाइटर देन आउटर लेयर. आउटर लेयर के कंपेरिजन में ये कैसी होती है? लाइटर होती है. दे हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई, इनका अपना ब्लड सप्लाई होता है, इसीलिए तो बोन कैसी होती है? लाइव कंडीशन में होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का सप्लाई ऑलवेज होता रहता है. पूरी बॉडी में होती हैं आपके बोन. दे हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई एज वेल एज नर्व्स विच हेल्प देम इन टू रिपेयर. और इनके बीच बीच में जो नर्व्स होती हैं वो इनको रिपेयर करने में, या जो सेल्स होती हैं वो इनको रिपेयर करने में हेल्पफुल होती है. तो ये बोन का आपने स्ट्रक्चर जाना. ये इसका डायग्राम है. फर्स्ट आउटर लेयर और देन स्पंजी लेयर, देन येलो इनर साइड बोन मैरो. जो अंदर एक येलो कलर की बोन मैरो कैविटी होती है, होलो. ये दिख रहा है? ये होलो पाइप जैसा लग रहा है, इसके बीच में ये होलो दिख रहा है. तो ये होलो होता है बोन मैरो, इसके अंदर बोन मैरो भरा होता है, जिसके अंदर क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं. और ये किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम फास्फोरस का बना हुआ होता है. देन बोन्स आर कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फाइब्रस सब्सटेंसेस कोलाजन. बोन्स को अगर हम देखें कि बोन्स के अंदर क्या क्या होते हैं, मिनरल्स आपके जो बनती हैं कैल्शियम और फास्फोरस की. बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट. बोन्स स्ट्रांग होती हैं, लाइट वेट, एज दे हॉलो फ्रॉम इनसाइड. जहाँ इनसाइड, जहाँ पर अंदर की साइड से बोन मैरो भरा होने के कारण ये कैसी होती हैं? होलो और लाइट होती है. द लॉन्ग बोन्स आर्म्स, सबसे ज़्यादा लंबी बोन आपकी बॉडी में कहाँ पर होती है? आपकी आर्म्स में होती है और लेग्स में होती है. लेग्स
थोरैक्स की बोन सबसे लंबी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है, जिसे थाई बोन या फीमर बोन कहा जाता है। इसका नाम क्या है? फीमर बोन। हैव ए सेंट्रल कैविटी कंटेनिंग बोन मैरो। इसके अंदर बोन मैरो होता है जिसकी सेंट्रल कैविटी में भरा होता है। बोन मैरो इज अ फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन मैरो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है फ्लेक्सिबल, खींचो तो ऐसे तो वो टिश्यू का बना हुआ होता है। इन ह्यूमंस रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस बाय बोन मैरो। बोन मैरो से क्या प्रोड्यूस होती हैं, क्या चीज़ें निकलती हैं? RBC जो कि रेड ब्लड सेल्स कहलाती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। ओके, ये बोन का स्ट्रक्चर है। देन मेजर फंक्शंस ऑफ बोन्स। बोन्स के फंक्शन क्या होते हैं? बोन के फंक्शन होते हैं सपोर्ट, प्रोटेक्ट, वेराइज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपका आपको पूरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है क्योंकि हार्ड एंड टफ होती है। दूसरा प्रोटेक्ट करती है आपके वेराइज ऑर्गन्स को, प्रोड्यूस रेड ब्लड्स, ब्लड सेल्स को अभी मैंने बताया था ना बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स बनाता है, तो ये प्रोड्यूस करने का काम भी रेड ब्लड सेल्स का होता है। तो ये ऐसे मेजर फंक्शंस करती हैं। दे इनेबल मोबिलिटी बाय एक्टिंग एज लीवर्स एंड पॉइंट्स टू अटैचमेंट फॉर मसल्स। और जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है इधर उधर हाथ को मोड़ने की, बैंड होने की, झुकने की, कुछ भी, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं क्योंकि इसमें जॉइंट्स होते हैं, जैसे स्क्रू पेच होते हैं ना मशीनों में, उस टाइप से। दे एक्ट एज स्टोरेज फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और ये किससे बनी हुई होती है या इसमें किससे जान आती है या ये इनको प्रोटीन या इनको फीडिंग किससे मिलती है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एसेंशियल मिनरल्स फॉर वेराइज सेलुलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। और इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस भरा होता है जो कि पूरी आपकी बॉडी को जिस जगह पर भी एक्टिविटीज़ के लिए इन मिनरल्स की ज़रूरत होती है उनको प्रोवाइड करती है। ओके, देन आ जाओ फैक्ट्स। क्या हैं फैक्ट्स? मतलब कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स कब होती हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारी बॉडी में 300 बोन्स होती है जो कि सॉफ्ट बोन्स कहलाती हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऐसे ऐसे ये फ्यूज हो जाती हैं कुछ बोन्स इसमें से। और क्या कितनी रह जाती हैं? 206 बोन्स हमारे एडल्ट पर्सन में रह जाती है। तो अगर कोई पूछे इन चाइल्ड, जब आप बच्चे होते हो तब आपकी बॉडी में कितनी चाइल्डहुड समय में, तो आप इन छोटे बच्चे के जब होते हो तब आपकी बॉडी में 300 बोन्स होती है नंबर ऑफ बोन्स, एंड नंबर ऑफ बोन्स 206 इन एडल्ट पर्सन। देन स्मॉलेस्ट बोन, आपने लॉन्गेस्ट बोन पढ़ी थी अभी, तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर होती है लॉन्गेस्ट बोन। ऐसे ही स्मॉलेस्ट बोन जो बॉडी की होती है वो आपके ईयर में होती है जिसको स्टेप्स बोलते हैं, इनसाइड अवर ईयर। लॉन्गेस्ट बोन कहाँ होती है? जो आपके थाई में प्रेजेंट होती है। देन स्केलेटल सिस्टम पे आ जाओ। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये आपको दिख रहा है आपकी बॉडी का जो ढांचा है जिससे आपको शेप मिला हुआ है, इसी में आपके ब्लड मसल्स सब भरा होता है, उसके बाद आपकी बॉडी बन जाती है। तो ये आपकी पूरी बॉडी का एक ढांचा जिसको आउटलाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। प्रोवाइड योर शेप एंड सपोर्ट, ये आपने पढ़ा था ना उसमें कीवर्ड्स में। तो ये आपके थ्री उसमें डिवाइड होता है, स्कल ये ऊपर का, ये बीच का हिस्सा, ये जो आपका है जिसे आप बोलोगे कि पेल्विक और उसमें गर्डल्स होते हैं, ये रिब केज पूरा की पूरा कहलाता है, ये रिब केज है आपका, ये स्पाइन है, स्पाइन, स्कल, और यहाँ पर लिम्स होते हैं। तो थ्री अगर मेजर पार्ट इसके हैं तो वो है स्कल, स्पाइन एंड लिम्स। के लिम्स ये थ्री पार्ट्स में स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड होता है। ओके, देन अगर इसको स्केलेटल सिस्टम को पूरा जाने हम कि इसमें क्या क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, तो द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। बोन्स का बना होता है, इसमें जगह जगह पर बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, ये फ्रेम वर्क होता है, इसमें प्रोटेक्शन गिव अस बॉडी प्रॉपर शेप और सपोर्ट करने का काम करता है, मूवमेंट करने का काम करता है क्योंकि इसमें जॉइंट्स होते हैं। डिवाइडेड इंटू, अब ये टू में डिवाइडेड होता है स्केलेटन सिस्टम, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन,
एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होती है, रिब केज होता है और स्कल होती है। ये देखो फिर से डायग्राम में देखो, ये स्कल होता है, वर्टिब्रल ये कॉलम दिखाई दे रही है, ये रिब केज में जो बनी हुई है ना, और ये रिब केज ये इसमें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में होता है। ओके देन आ जाओ अपेंडिकुलर में क्या क्या होता है। अपेंडिकुलर में होता है स्केलेटन विच इज अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड द शोल्डर गर्डल, द पेल्विक गर्डल एंड द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स। फिर से एक बार डायग्राम में देखो, पेल्विक गर्डल कौन सा है, जो कि आपका ये शोल्डर गर्डल, ये शोल्डर और ये है आपका ये नी और ये इधर से जुड़ा हुआ, यहाँ पर पेल्विक की लिखा हुआ ना, पेल्विक गर्डल, ठीक है। ये दोनों आपके किस में आते हैं, अपेंडिकुलर उसमें आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। और एक्सियल में स्कल आता है, रिब केज आता है और जितने भी ये आपकी नर्व्स आती हैं। देन अपर एंड लोअर लिम्स, अपर एंड लोअर लिम्स भी किस में आते हैं, अपेंडिकुलर में आते हैं। ये है अपर लिम्स जिसको बोलते हैं और ये है आपके लोअर लिम्स या पैर, लेग्स और ये आर्म्स, ये किस में आते हैं, अपेंडिकुलर। ओके तो ये तो हो गया आपका स्केलेटल सिस्टम। देन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम को अगर हम टिप्स में लर्न करना चाहें तो इसके मेजर जो फंक्शन होते हैं, सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी प्रोड्यूस करता है ना ये, वेयर हाउस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, और मिनरल्स जो कि बोन मैरो जो होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स का ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऐसे करके सिक्स इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन होते हैं।